जय सियाराम दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। आज हम आपको गरुड़ पुराण की 10वें अध्याय की कथा मृत्यु के अनंतर के कृत 100 आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कार्य, शिशु आदि के अंत्येष्टि का विधान की कथा गरुड़ सारोद्धार की 10वें अध्याय में आप हम सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि पुण्य के भागी बने तो इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक सनातन धर्म के बारे में लोग जान सकें। चलिए हम चलते हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार 10वें अध्याय की कथा सुनने। गरुड़ जी बोले, हे विभव, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, जिन और दैहिक कृतियों को करने से पुत्र और पौत्र पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूं। सुनो, बहुत से दान देने से क्या लाभ, माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता के मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बंधुओं के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। कहा गया है शास्त्रों में, केशों में काम का वास होता है, इसलिए मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद समस्त बंधुओं के साथ स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान कराएं और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि सौ की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने
पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भमूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन क्रमानुसार उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रेक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से कृपया संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस कृप्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें। तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों को पालन करने वाले हो। यह संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कृप्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख कर वहां 2 पिंडदान करें। प्रेत के नाम से 1 पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेत तत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड दान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कृप्याद अग्नि को तिनकों पर रख कर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। आपको बता दें, घनिष्ठा, सतभिखा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती। इन पंचक नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः वसु, वरुण, अजचरण, अहिवृधुन और पूषा हैं। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सदगति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसको सदगति नहीं प्राप्त होती है, उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति का दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो जाता है। पंच
पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उसे दाह विधि को कहूंगा। हे तार्क, कुश से निर्मित चार पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह सर्व यक्षतु इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र सोना चांदी रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही उसका शव का दाह करना चाहिए। आपको बता दें, इस पत्नी के सती होने की परंपरा बहुत पहले की है। अब इसकी प्रथा खत्म हो गई है। अब अगर पत्नी है तो उसे हरि का भजन करना चाहिए, उसी से उसके मुक्ति मिलती है। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी को उसके साथ पुनः करना चाहे पत्नी पति की मृत्यु होने पर तो स्नान करें, शरीर में कुमकुम अंजन सुंदर आभूषण आदि अलंकृत करें, ब्राह्मणों के बंधु बांधवों को दान दें, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद दिवालय मंदिर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें, वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि पर जाएं। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़ें और अपने पति को अपने गोद में लिटाएं। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के सम्मान मानकर अपने शरीर को जलाएं। सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर बलात् दाह करने का विधान नहीं है। जैसे कौशल्या आदि दशरथ पत्नियों ने पांडु पत्नी कुंती तथा जड़ भरत की सपत्नी माता आदि के सती न होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जिसका पति मर गया उसकी पत्नी को सती होना है, ऐसे विधान नहीं है। तो इसलिए इसके लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। सुनादि धातुओं को मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्य प्राण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति के अंतरात्मा के साथ एक कत्व प्राप्त कर लेती है। स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती, इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से
जीवित अवस्था में अपने पति का सदा सेवा करनी चाहिए, मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहां पर पति प्रणारी अप्सरागणों के द्वारा अस्तुमान होकर 14 इंद्रों के राजकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में भ्रमण करती है। जो सती अपने भ्रता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। आपको बता दें 14 मनुओं का राजकाल एक कल्प कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं। स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सुर सवर्ण, दक्ष सवर्ण, ब्रह्म सवर्ण, धर्म सवर्ण, रुद्र सवर्ण, रोच तथा भौत, ये 14 मनु कहे गए हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम कूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है, और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दास दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, मूर्ख जन्म पर्यंत विरहाग्नि में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उनके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हेतार्थ, यदि पत्नी सती नहीं होती है तो केवल पति का शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्म ग्रंथ का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वसुदेव के द्वार उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, ए तदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों का स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों का स्नान करना चाहिए, तदंतर मित्र प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए, फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गौग्रास देना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे तार्क, 100 दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर या त्रिगोणिया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो,
बांधों से प्रत्यक्त हो, यह जल और दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। सहग्निक जिन्होंने अग्नाध्यान किया हो को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निश्चित दुबार तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं, उनका सूत्र लपेट कर और पवित्री धारण करें। संभूतादि के लिए पुत्रों को यमाय त्वया यजुर्वेद के श्लोक मंत्र का से उरद की बलि देनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चितास्थान को दूध से सींच कर जल से सींचे, तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख कर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रख कर यथाविधि पिंडदान करें। त्रिकोण स्तंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षाभिमुख होकर स्तंडिल को तीनों कोनों पर तीन पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वह गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाले पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार धोएं, चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करें, फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे। जिनके जलने भस्मीभूत राजा सागर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाले कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चलकर देवलोक चला गया। इसलिए सतपुत्रों को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर दशकात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन को उसका पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। दशकात्र कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सावंत सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह मर गया हो, तो उसे भूमि में गाड़कर
केवल मृत स्त्री का दाह करें, गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करें, केवल बालक को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जड़पूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन करना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों का भोजन करना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसके अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो अथवा न हुआ हो, पायस और गुण के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादश और द्वादशा की क्रिया संपादन करनी चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एक दिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी ब्राह्मणों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य मरने पर सहयदान, वृत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों के द्वारा न तो दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न ही उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न ही उनकी दस्तखत आदि क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेत तत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों को भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और ग्राया श्राद्ध करने चाहिए। हेतार्क, हंस, परमहंस, कूटीचक और बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों में उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि करनी चाहिए। वहाँ कोई महानदी न हो तो उन्हीं में जल समाधि देनी चाहिए। इति गरुण पुराण सारोद्धार दाह स्थित संचय कर्म निरूपणम नाम 10वां अध्याय पूर्ण। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुण महाराज की जय। तो आपने गरुण पुराण सारोद्धार के 10वें अध्याय की कथा सुनी। आगे हम आपको 11वें अध्याय में दस्कात्र विधान यानी मरने के 10 दिन के बाद होने वाले क्रिया दस्कात्र क्या विधान है उसके बारे में बताएंगे। तब तक बने रहिए। जय श्री राम।